हाँ जी, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ये साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स वन है, हमें क्या निकालना है, कोज एक्स टू द पावर 8 प्लस 2 कोज एक्स टू द पावर 6 प्लस कोज एक्स टू द पावर 4, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, तो ये दिया हुआ है, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई बोलो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब जल्दी से बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स, बहुत ही बढ़िया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या पुट कर देंगे, कोस स्क्वायर एक्स। अब क्वेश्चन में देखो क्या क्या यूज है, 8 पावर है, 6 पावर है और 4th पावर है, तो बताओ 4th पावर की वैल्यू क्या होगी अगर स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और बताओ 6th पावर की वैल्यू क्या होगी साइन क्यूब एक्स। बहुत ही बढ़िया, और 8th पावर की वैल्यू क्या होगी साइन 4th पावर एक्स, साइन एक्स टू द पावर 4। ठीक है, ये समझ आ गया, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो इसकी जगह क्या आएगा बोलो, ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, इसी की वैल्यू निकालनी हमें, फाइन इसकी जगह क्या पुट करूं, साइन एक्स रेज टू पावर 4। हाँ बहुत ही बढ़िया, आगे बोलो, प्लस 2 साइन क्यूब एक्स, प्लस 2 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा, यहां तक आ गया सबको समझ, मैंने वैल्यू पुट कर दी साइन की टर्म्स में, फिर दिक्कत किसी को, अब ये जो 2 साइन क्यूब एक्स है ना, इसको ब्रेक कर लेते हैं, इसको किस में ब्रेक कर लेते हैं, साइन क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स। ठीक है बेटा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब कॉमन देखो, पहली दो टर्म में से क्या कॉमन आया, साइन क्यूब एक्स, पहली दो टर्म में से साइन क्यूब एक्स कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, साइन एक्स प्लस वन, साइन एक्स प्लस वन। ठीक है, अगली दो टर्म में से क्या कॉमन आया, साइन स्क्वायर एक्स, तो अंदर क्या बचा, साइन एक्स प्लस वन। ठीक है, बहुत बढ़िया, अब साइन एक्स प्लस वन यहाँ भी है और यहाँ भी है, पूरे में से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, साइन क्यूब एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स प्लस। ठीक है बेटा, अब इसमें से क्या कॉमन ले लिया बाहर, साइन स्क्वायर एक्स, और अंदर क्या बचा बोलो, साइन एक्स प्लस वन। बहुत ही बढ़िया, ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर एक्स जो है वो क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, जल्दी बताओ, इस साइन स्क्वायर एक्स को हटा के मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स पुट कर दूं, कर सकता हूं, और जल्दी बोलो इस क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर एक्स क्या है, साइन एक्स, इस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या पुट कर दूं अब, साइन एक्स, अब फिर से 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, क्या हुआ 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, जल्दी बोलो, कॉस स्क्वायर। हाँ, तो ये सारा अब तक का मामला कॉस स्क्वायर एक्स पे आके अटक गया, अभी वो वाली ब्रैकेट मैंने लिखे नहीं है, अब लिख देता हूँ साइन एक्स प्लस, अब जल्दी बोलो कॉस स्क्वायर एक्स इस क्वेश्चन में क्या है, साइन एक्स, तो ये साइन एक्स पुट कर दिया, अब साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस वन, साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस वन, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, वन, ये तो वन गिवन ही है ना, तो फाइनली ये सॉल्व होके क्या आया, वन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बेटा, वन, जो हमें वैल्यू निकालनी थी ना इतने सब कुछ की, ये फाइन, इसका आंसर क्या आया बेटा, वन आ गया। ठीक है, ध्यान रखोगे आंसर इज वन, ध्यान, तो मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिकॉर्ड कर दिया, इस तरह का ना आपको आईडी में भी मिल जाएगा, एक आईडी शर्मा, आर एस अग्रवाल एलिमेंट्स, ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे जो
किताबों में दिया हुआ है, ठीक है, ओके, थैंक यू।